एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीकी कॉमर्स। मैं हूं शमसानी एंड आज हम अपने एनपीओ चैप्टर को एंड करने आए हैं। ये जो वीडियो है ये मेरे पास जो लास्ट वीडियो होगी एनपीओ चैप्टर की, जिसमें हम क्वेश्चन 36 एंड 37 सॉल्व करेंगे। दोनों क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा सा ट्विस्ट है सब्सक्रिप्शन को लेके, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व सही से करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार खुद से सॉल्व करिएगा। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिएगा, घंटा जरूर बताना। और चलो अभी क्वेश्चन में 36 करते हैं, आज चैप्टर का एंड करते हैं, तीन क्वेश्चंस रह गए हैं। सो 36 वाले में आता है, गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन एसोसिएशन क्लब। रिसिप्ट पेमेंट दे रखा है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट्स। एडजस्टमेंट में नीचे दे रखा है 500 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन 50 का है, जिसमें से 500 अभी भी हमारे पास एरियर्स में है। 1000 आउटस्टैंडिंग चल रहा है, बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स 50,000 रुपये की है, जिसको राइट ऑफ करना है 5% से, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज एक्रूड एट 5 मंथ्स। सो बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, सो स्टार्टिंग विद रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज योर कैश बैलेंस। सबसे पहले कैश लिखते हैं, विच इज 1025, देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखोगे तो वो कह रहे हैं 5 एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट में लिखा है 500 जो है वो स्टिल एरियर्स हैं, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट देखो, पिछले साल का अमाउंट भी रिसीव हुआ है 400 रुपए, तो 400 हम रिसीव कर चुके हैं। 400 रिसीव करने के बाद भी 500 एरियर्स हैं, विच मीन्स दैट प्रीवियस में आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा 900 रुपीज का। ये ध्यान रखना बेटा, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। 400 हम लोग रिसीव कर चुके हैं, तब भी 500 एरियर्स में है, विच मीन्स दैट प्रीवियस ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900 रहा होगा, ठीक। देन इसका बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 50,000 रुपए की, एडजस्टमेंट में गिवन है, जिस पे डेप्रिसिएशन लगाना है वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे, और तो कुछ दे नहीं रखा। लाइबिलिटी साइड में नथिंग, सो टोटल कर दो इसका 51,925, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल फंड 51,925, क्लियर हो गया प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। नेक्स्ट कम्स योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मोस्ट प्रोबेबली आपको बेटा जो बोर्ड्स में मिलेगा वो इनकम एक्सपेंडिचर ही अकाउंट मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ यही आया 6 नंबर में, तो इजी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, आराम से नंबर गेन कर सकते हो। ये आपकी एक्सपेंडिचर साइड होती है या आपकी इनकम साइड होती है। So, ये बनाने स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट एंड सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ये सारे आइटम ही रेवेन्यू नेचर के, सारे के सारे आपके इनकम साइड में आ जाएंगे ये। सो सबसे पहला आपके पास आ गया बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो दे रखा है वो 20,500 का गिवन है, इसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अब आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर बेटा निकालना पड़ेगा आपको। देखो हमारे पास टोटल सब्सक्रिप्शन जो दे रखा है विच इज 500 to 50 एज पर द मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन 25,000 का आना चाहिए,
लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ है, रिसीव हुआ है 20,500 का, विच मीन्स दैट 4,500 रुपीज का आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। सो ये आपका नेट अमाउंट 25,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। देन कम्स डोनेशन 9,500। सो बाय डोनेशन 9,500, बाय सेल ऑफ बाय प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रोसीड फॉर एंटरटेनमेंट हमें दे रखा है 5,400 का। देन सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर सेल करके 450 रुपीज मिल गए। एंड हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड है 5 मंथ्स का, ये नीचे क्वेश्चन ने बता रखा है 5 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड है, तो आप इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकालोगे। सो इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए के और कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 12%। सो 20,000 का 12% 5 मंथ्स, तो 5 by 12, सो 1,000 रुपीज का आपका इंटरेस्ट एक्रूड आ गया। सो बाय एक्रूड इंटरेस्ट सो इनकम साइड कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक्सपेंडिचर साइड, दैट इज पेमेंट साइड देखते हैं। सैलरीज आएगा, जनरल एक्सपेंस ये भी आएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस ये भी, न्यूज़पेपर, म्युनिसिपल टैक्स, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, बाकी सारे हमारे जितने भी पेमेंट साइड के हैं सबकी सब हमारे एक्सपेंडिचर में जाएगा क्योंकि वो उसी को बिलोंग करता है। सो एक्सपेंडिचर साइड बनानी स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग करेंगे 2 सैलरीज। सैलरीज में नीचे एडजस्टमेंट दे रखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी का, तो प्लस कर देंगे। नेट अमाउंट आ जाएगा 6,500 का। देन जनरल एक्सपेंसेस 800, देन एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,500, देन न्यूज़पेपर 1,500, म्युनिसिपल टैक्सेस 500, चैरिटी 3,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,400, बस बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग है 50,000 रुपीज की, 5% का डेप्रिसिएशन लगना है तो 2,500 रुपीज का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। सो और तो कुछ है नहीं हमारे पास, टोटल अप करिएगा इसको और देखो रेवेन्यू डेट इज सरप्लस निकल के आ रहा है या फिर डेफिसिट, इसका टोटल आपका आ रहा है 41,350। And we get a surplus. Surplus कितना निकल के आया इसका 21,150 का। अब बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ करेंट ईयर चेक करो बेटा, हमारे पास पहले तो हमें प्रीवियस ईयर से लेके चलते हैं। सबसे पहले कैश का बैलेंस होगा, देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा, देन बिल्डिंग हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और खरीदी है तो हमने, ये हमें याद है, और उस पर एक्रूड इंटरेस्ट भी है। सो देखो कैश हमारे पास कितना है अब 1,175, एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 4,500 हमारा इस साल का है, ठीक है, और अभी भी 500 रुपये स्टिल इन एरियर्स है, मींस टोटल आपका आउटस्टैंडिंग होगा 5,000 का। बिल्डिंग 50 की थी, उसमें डेप्रिसिएशन कितना लगा है 2,500 का, तो ये आ गई 47,500।
इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने खरीदे थे? 20,000 रुपए के, और 1,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट हो गया, 21,000 रुपीज का आपका एक्रू इंटरेस्ट आ गया। सब्सक्रिप्शन एडवांस में 600 का मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,000 रुपीज की, देन कम्स योर कैपिटल फंड, उसमें प्लस करते हैं सरप्लस, सरप्लस लेकर क्या है 21,150, टोटल हो गया ये 573,075। दैट्स इट, टोटल कर दीजिए एंड आपका टोटल इसका क्या आना चाहिए, सेम 74,675। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग हुई। इससे मेन जो चीज़ आपको देखने वाली थी वो एक ये था सब्सक्रिप्शन, कि जिसमें आपसे बोला गया कि अभी भी 500 स्टिल इन एरियर्स हैं, तो आपको ये बच्चों का गलत आया था इस वजह से, 900 के अमाउंट की वजह से। बाकी रेस्ट एज सच इस पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है। और उसका याद रखना बस, सब्सक्रिप्शन का जो निकाला हमने मेंबर से मल्टीप्लाई करके निकाला है, टोटल अमाउंट 25 की आनी चाहिए थी, रिसीव 2500 की थी, तो करंट ईयर का मिल गया 45। एंड यहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखना। सो ये क्वेश्चन 36 है, ऑलमोस्ट एंडिंग चल रही है। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? जबकि बैलेंस शीट होगी प्रीवियस ईयर की, बैलेंस शीट करंट ईयर की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 37, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक का, जिसमें आपके पास सब्सक्रिप्शन पेमेंट साइड में जैसे आपका दे रखा है, रिसीप्ट साइड दे रखा है, रिसीप्ट साइड में प्राइस फंड चैरिटी फंड दे रखा है आपको। स्पेसिफिक फंड वाले क्वेश्चंस मैंने बताए थे, जब भी स्पेसिफिक फंड मिलता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसमें से माइनस होंगे, जितनी भी इनकम होगी वो उसमें प्लस हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे पास दो फंड्स हैं, एक चैरिटी फंड है और एक प्राइस फंड है। तो प्राइस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस प्राइस फंड में जाएंगे बैलेंस शीट में, चैरिटी फंड से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस इनकम जाएंगे बैलेंस शीट में। तो इसलिए यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड मत करना। सो स्टार्ट करते हैं, एडजस्टमेंट देख लेते एक बार। 600 मेंबर्स हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज का है। इन 2011-12 10 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन अगले साल के लिए भी पे कर दिया है, मतलब एक तरीके से 10 मेंबर वाला होगा, 1,000 रुपए का ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। बैलेंस स्पोर्ट्स फंड का दे रखा है भाई, बैलेंस है मतलब ये क्लोजिंग फिगर हो गई, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन निकल जाएगा कुछ ना कुछ इस तरीके से। बिल्डिंग दे रखी है 1,20,000 रुपए की, और इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं 30,000 रुपए के। ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन विद ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड। जो बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा होता है वो आपका कैश इन हैंड होता है। So, सबसे पहले कैश आ गया बेटा आपके पास 3400 का। फिर आप देखो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3,000 रुपए का। अब आपको लग रहा होगा 3,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन मैंने कहां से लिखा, बुक में तो कहीं दे नहीं रखा, ना किसी एडजस्टमेंट में दे रखा है। आप सब्सक्रिप्शन का कॉलम चेक करो, सब्सक्रिप्शन के कॉलम में आपको अमाउंट दे रखा है 2011-12 का 3,000,
12 13 का 56 200 का और 13 14 का 2000 रुपीस इस तरीके से दे रखा है। प्रीवियस ईयर में से 3000 रुपए रिसीव हुए हैं इस साल, मतलब पिछले साल तो आउटस्टैंडिंग रहा होगा तभी तो हमें इस साल मिला, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करना। जब 3 साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा होता है ऐसे प्रीवियस ईयर करेंट ईयर और फ्यूचर ईयर, तो यहाँ पे देखो 3000 दे रखा है प्रीवियस ईयर का और नीचे कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। अगर नीचे एडजस्टमेंट लिखा होता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10000 रुपये तो भाई मैं तो यहाँ 10000 लिख देता, 10 में से 3 मिल गए, 7000 रुपये आउटस्टैंडिंग अभी भी बाकी है। लेकिन नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या मैं यही तो मानूंगा भाई कि 3000 रुपये हमें इस साल रिसीव हो रहा है, विच मीन्स दैट ये पिछले साल आउटस्टैंडिंग रहा होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझना है। देन हमारे पास आता है बिल्डिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। बिल्डिंग दे रखी है 1,20,000 रुपये की और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं 30,000 रुपये के। देन हम आते हैं अब लाइबिलिटी साइड में। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये मैंने अभी आपको बताया था 10 मेंबर ने 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए का पेमेंट कर दिया है। और हमारे पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है, आप देखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट बाय साइड में मिल रखा है तो वो भी आपके पास यहाँ पे आएगा। बैंक बैलेंस है ना, ये बैंक ओडी, बैंक ओडी गिवन है 8800 का और तो कुछ भी नहीं है, टोटल कर दो 120, 30, 150, 156, 400। अगर सीधा सीधा 10,000 माइनस कर देते हैं फिर 200 प्लस कर देना उसमें, सो ये कैपिटल फंड आ गया। दैट इज 1,46,600। ठीक, अब बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर के लिए बस वही चीज ध्यान रखनी है, प्राइस रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस और इनकम ध्यान नहीं आएंगी, सेम वे चैरिटी से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। तो विल स्टार्ट विद सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन इस साल का कितना है 56,200 का। ठीक है, देखो 600 मेंबर है तो 100 रुपए के हिसाब से 60,000 यहाँ पे आना चाहिए, पहले से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 60,000 आउटर कॉलम में ही आएगा क्योंकि 600 मेंबर 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन तो 60,000 निकल के आएगा, ये आउटर कॉलम का अमाउंट है। अब इसमें से क्या क्या रिसीव हो चुका है या क्या क्या रिसीव होना है, ये 1000 हमें पिछले साल मिल चुके थे जो इस साल को बिलोंग करते हैं, प्लस कर दो एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक, और हमारे पास क्या दे रखा है, और तो कुछ भी नहीं दे रखा तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर निकल जाएगा, आउटर कॉलम 60,000 की है सो 57,200 हो गया, तो 57,200 माइनस कर दो कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2,800 का आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर आ गया। सब्सक्रिप्शन के बाद आ गया आपके पास ड्रामा टिकट्स, बाय प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स 16,000, देन सेल ऑफ वेस्ट पेपर 400। तो हमारे पास रिसिप्ट साइड खत्म हो जाती है, रिसिप्ट साइड में चैरिटी फंड और प्राइज फंड नहीं लिखिएगा, एंडोमेंट फंड और लेगेसी मत लिखना, लेगेसी वही होता है ना जब कोई मर जाता है प्रॉपर्टी दान कर जाता है, तो ये सब चीज आपकी कैपिटल नेचर की है वो यहाँ पे नहीं आएंगी। अब आ रही है एक्सपेंडिचर साइड पे, स्टार्टिंग करते हैं सैलरीज के साथ, 2 salaries 31,100। देन ड्रामा एक्सपेंसेस 6,000, ड्रामा एक्सपेंसेस के बाद स्पोर्ट्स मटेरियल असेट वो आएगी नहीं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा नहीं क्योंकि प्राइस फंड में जाएगा, चैरिटी गिवन नहीं आएगी चैरिटी फंड में जाएगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस टू म्यूनिसिपल टैक्सेस
1600, देन उसके बाद अनकीप ऑफ लैंड, अनकीप ऑफ लैंड आपके पास आ गया 3000 रुपीज का, ऑफिस एक्सपेंस 7800 के, देन परचेज ऑफ बिल्डिंग आएगा नहीं। आप डेप्रिसिएशन देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कैसे निकलेगा, देखो क्लोजिंग फिगर दे रखे 3600 की, हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का परचेज हुआ, 18000 रुपए का, हमने 18000 का परचेज करा है, जिसमें से अब वैल्यू कितने की रह गई है, अब वैल्यू रह गई 3600 की, विच मीन्स दैट 14400 रुपीज का आपका लग गया डेप्रिसिएशन। सो टू डेप्रिसिएशन 14400 स्पोर्ट्स मटेरियल पे लगाया मैंने ये, ठीक है, ये परचेज करा था और ये क्लोजिंग फिगर है, परचेज में क्लोजिंग फिगर माइनस कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। और तो कुछ इसमें है नहीं, टोटल कर दो एंड सरप्लस या फिर डेफिसिट निकाल लो, तो 60 76 76 400 इधर का आ रहा है, यही बड़ा है 76 400, तेरह नौ 19, 13 6 19, 19 1 20, 23 30, 44 45 900 माइनस कर दो 30500 सरप्लस, सरप्लस अभी आ गया। अब हमारी बारी आती है बैलेंस शीट बनाने की, क्लोजिंग वाली, क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट के लिए क्या करोगे, ओपनिंग की हेल्प लेंगे, जैसे हम लेते हैं हर बार जो जो ओपनिंग के फिगर्स हैं, कैश इसमें तो बैंक भी दे रखा है, बाय साइड में ही है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, बिल्डिंग और ये आपके पास इन्वेस्टमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सो कैश आपके पास दे रखा है 5000 12600, देन इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2800 का, बिल्डिंग दे रखी है बेटा 1,20,000 रुपए की, नई भी परचेज हुई है 60 की, तो यार ये 180 की, ठीक है 120 में 60 प्लस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज नहीं आया, वो तो 30 के रहेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल में डेप्रिसिएशन लग गया कितने की फिगर रह गई थी, 3600 की रह गई थी। लायबिलिटी साइड में आते हैं, सब्सक्रिप्शन एडवांस का कितना है 2000। अब आ जाओ प्राइस फंड, चैरिटी फंड, एंडोमेंट, लेगेसी, जो जो छोड़ रखा था सब लिख दो। तो सबसे पहले प्राइस फंड, प्राइस फंड गिवन है बेटा 7000 रुपीज का, जिसमें से एक्सपेंस माइनस होगा प्राइस वाला, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन करा हमने 5600 का, 1400 रुपीज का अमाउंट आ गया। देन चैरिटी फंड, चैरिटी फंड गिवन है बेटा 5000 रुपीज का, और चैरिटी गिवन है 5000 रुपए की, तो इसकी कहानी तो होगी खत्म। नहीं चैरिटी नहीं, चैरिटी फंड कितने का गिवन है 5000 रुपए का, चैरिटी कितनी रखी थी हमने 3500 की, सॉरी चैरिटी गिवन है 3500, तो 1500 आ जाएगा आपके पास। देन इसका एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड आपको दे रखा था 32000 रुपीज का, लेगेसीज, लेगेसीज दे रखे हैं 20000 रुपए की। लेगेसीज ध्यान रखना बेटा, ये आपको वन मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेगेसी, काफी बार पूछा गया और ये प्रैक्टिकल्स में पूछ लिया जाता है।
कैपिटल फंड, उसमें प्लस कर देंगे सरप्लस। कैपिटल फंड हमारा कितने निकल गया, 1,46,600, उसमें आप सरप्लस प्लस कर दो 30,500, ये आ जाएगा आपका 1,77,100, टोटल कर दो एंड टोटल आपका इक्वल आना चाहिए 2,34,000। सो दैट्स इट जो क्वेश्चन नंबर 37। मेन काम इसमें आपको क्या क्या था, एक तो सब्सक्रिप्शन की कहानी यहाँ पे और वहाँ पे जो समझने वाली थी। सब्सक्रिप्शन के बाद फिर नेक्स्ट जो समझने वाला था वो डेप्रिसिएशन आपका स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर, क्योंकि इसमें क्लोजिंग फिगर दे रखी थी। बाकी रेस्ट प्राइज फंड, चैरिटी फंड, बाकी एंडोमेंट, लेगेसीज, ये सब तो आपका नॉर्मल पार्ट है क्वेश्चन का। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको समझनी थी इस वाले क्वेश्चन में। बाकी रेस्ट एक सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सो कोई डाउट इस क्वेश्चन में? थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स। अपना प्यार अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते रहिए एंड लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिए अगर आप लोग को लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग के लिए हेल्पफुल हैं, स्पेशली जब एग्जाम्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स। ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहिएगा।